नमस्ते। बात चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर उसकी वैल्यू ऑफ न्यूज़ नेशनल लेवल से जुड़ी होती है तो उस पर लोग अपनी राय रखते ही हैं। बॉलीवुड वाले जो कलाकार हैं वो भी मुखरता के साथ सामने आते हैं और बोलते हैं। दिल्ली में हिंसा होती है, कई लोग मारे जाते हैं, कई जख्मी होते हैं। इस दंगे की जो तपिश है वो बॉलीवुड भी पहुँचती है और वहाँ पर इसको लेकर कलाकार आपस में भिड़ जाते हैं। पहले बात करते हैं उनकी जो अपने आप को संविधान का रक्षक कहकर सिर्फ एक तरफा रवैया रखते हैं। ऐसे लोगों ने दंगों में भी अपना निजी एजेंडा साधने में कोई कोरो कसर बाकी नहीं छोड़ी। दिल्ली में भड़के दंगों के बाद भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे थे जो इसके लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए थे और उनका मकसद सिर्फ कपिल मिश्रा को जेल में देखने का था। इनमें सबसे आगे थी स्वरा भास्कर, जिन्होंने ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत के लिए दिल्ली पुलिस को ही दोषी ठहराया बल्कि CAA विरोध के नाम पर NRC के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाने में भी कोई कोरो कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब बात दिल्ली की हो और अनुराग कश्यप का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली में भड़के दंगों के लिए वो शुरू से ही हिंदू आतंकवाद की भूमिका पर जोर दे रहे थे और वर्तमान जो ट्वीट्स इनके हैं उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो अपने विचार को बदलने के बारे में सोच भी रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इतना तो साफ है कि प्रो CAA का मतलब एंटी मुस्लिम है। मतलब जिस अभिनेता को दंगों को शांत रखने में अपना अहम रोल निभाना चाहिए था वही बंदा हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने में लगा हुआ था। अनुराग का ये अकेला ट्वीट नहीं है, उन्होंने दिल्ली दंगों पर कई ऐसे ट्वीट किए जिसमें उनका एक तरफा रवैया साफ देखा जा सकता है। कुछ ऐसे अभिनेता भी रहे जिन्होंने इस मुद्दे पर काफी बेबाकी से अपनी राय रखी। तुषार कपूर यूं तो फिल्मों के सिलेक्शन के मामले में थोड़े से कमजोर माने जाते हैं, पर मीडिया की एक तरफा कवरेज को लताड़ते हुए उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ये बेहद दुखदाई है जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हमारे देश के बारे में ऐसी कवरेज करे। अब सोचता हूं कि कहीं उत्तर कोरिया के बारे में भी मीडिया की खबरें सच हैं या नहीं। अब उनका इतना ट्वीट करना था कि किसी को मिर्ची लग गई। किसको लगी? अभिनेता संजय खान की बेटी फरहा अली खान को। उन्होंने तुषार को घेरने का प्रयास करते हुए देश के खतरे में होने की बात कही और उन्हें जाग जाने का ट्वीट किया। इस पर तुषार ने फरहा को आईना दिखाते हुए लिखा कि लगता है आपने अपनी सुबह की कॉफी नहीं ली है, क्योंकि आधे सच को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा प्रकाशित करना या दिखाया जाना स्थिति को नकारने से भी बुरा है, तो जागने की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ तुषार और फरहा में ही शब्दों के बाण चले हों, इस लिस्ट में अभी कई और नाम बाकी हैं। रीचा चड्ढा एक्टिंग बढ़िया करती हैं। दिल्ली दंगों में इन मैडम को पुलिस के किरदार की कहानी फिल्मी ही लगी और इन्होंने पुलिस पर गोली ताने खड़े शाहरुख के फोटो को पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस को ही दंगों का दोषी बता दिया, जिम्मेदार ठहरा दिया। अब मैडम ने ट्वीट तो कर दिया पर इसके लिए उन्हें सुनना भी पड़ा। किससे सुनना पड़ा? रवीना टंडन से। रवीना टंडन ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हाँ सही हैं आप, दिल्ली पुलिस काफ़ी ओवरवर्कड है और उनका एक जवान मारा गया, काश आप उनके लिए भी कुछ संवेदनाएँ प्रकट करती। उनकी लाइफ हमारी तरह लग्जरी से भरी हुई नहीं है और उन्हें एक थैंकलेस जॉब का हिस्सा बनना पड़ा है। हम उन पर काफ़ी अनावश्यक रूप से प्रेशर बढ़ा रहे हैं। हालांकि बाद में जब रवीना ने उन्हें ट्रोल किया, उनके लिए कुछ कहे शब्द, तो उसके बाद रिचा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। बॉलीवुड के फेमस अभिनेता परेश रावल भी खुलकर दिल्ली के दंगों में एजेंडा साधने वालों के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दिए। उन्होंने NDTV के पत्रकार रवीश कुमार जैसे लोगों को आड़े हाथों लिया। जब रवीश कुमार ने मोहम्मद शाहरुख को अनुराग मिश्रा बनाने की कोशिश की तो परेश रावल ने पूर्व सैन्य अफसर और खिलाड़ी मेजर सुरेंद्र पूनिया का ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि कोई मीडिया है तो कोई भेड़िया भी। इतना ही नहीं, जब विजेंद्र सिंह ने इन दंगों में भी 2002 का मुद्दा घसीटने की कोशिश की तो परेश रावल ने अपने ही अंदाज में ट्वीट किया और कहा कि जनाब आपको बॉक्सिंग और बकवास में फ़र्क समझ लेना चाहिए। जहां दिल्ली के दंगों पर देश को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां लोगों से शांति की अपील कर सकती थी, उन्हें संयम बरतने की सलाह दे सकती थी, उसी बॉलीवुड ने इस दफ़ा निराश किया। बॉलीवुड से जुड़े स्वरा, अनुराग और फरहा जैसे लोग हिंसा को शांत करने की कोशिश करने की बजाय इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की जद्दोजहद में जुटे रहे।
यही वजह भी रही कि दो दिनों में ही दंगा बहुत ज़्यादा भड़क गया। अरे यार ठीक है आपको मोदी विरोध करना है, ठीक है आपको अपने संवैधानिक अधिकार का पालन करना है, ठीक है आपको संवैधानिक बताते हुए पीएम मोदी को गालियां देनी है, खूब दीजिए खूब प्रदर्शन कीजिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आड़ में लोगों को झूठी जानकारियां देना बंद करिए। उम्मीद है देश को बांटने की जो सोच रखते हैं, जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं जो देश को बांटने का प्रयास कर रही हैं, वो अपने आप को सुधार लेंगी। वरना लोग आपको टॉप पर पहुंचाना तो जानते ही हैं, और आपका जो करियर है उसको छपा कैसे करवाना है ये भी देश की जनता को बखूबी आता है। उम्मीद है आप सुधर जाएंगे, वरना जनता खुद सुधार देगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा।